17 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व है। वैसे तो रामनवमी हर साल बेहद धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार रामनगरी अयोध्या में तो इस मौके पर चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि अब राम मंदिर में रामलला विराजमान जो हो चुके हैं। भव्य राम मंदिर में प्रभु रामलला का पहला जन्मोत्सव रामनवमी पर भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर इस साल 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के पहले जन्मोत्सव पर आने वाली संभावित लाखों की भीड़ को ध्यान में रखकर लगातार 3 दिनों तक श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। इस साल प्रभु रामलला के मंदिर में अष्टमी, नवमी और दशमी को दर्शन के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी और नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा की। अयोध्या में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि नवरात्रि के दौरान अष्टमी, नवमी और दशमी पर श्री रामलला मंदिर में 24 घंटे दर्शन और पूजा की व्यवस्था की जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने रामनवमी के अवसर पर शहर में साफ सफाई, लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था और गर्मी को देखते हुए परिवहन निगम और नगर विकास विभाग के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि श्रद्धालुओं को 2.5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल न चलना पड़े और उनके जूते चप्पल तुलसी उद्यान जैसे स्थानों पर रखने की व्यवस्था की जाए। राम मंदिर 16, 17 और 18 अप्रैल को 24 घंटे खुला रहेगा। राम मंदिर में मुख्य उत्सव रामनवमी वाले दिन 17 अप्रैल को मनाया जाना है। मेले में क्राउड मैनेजमेंट के लिए जगह जगह मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी तैनात करने की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही संवेदनशील स्थलों और प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, जिससे यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आसानी से रामलला का दर्शन मिल सके। साथ ही आपको बता दें, इस बीच राम मंदिर के निर्माण का काम भी तेज हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर की प्रथम तल परकोटा के निर्माण को दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे तल का भी निर्माण इसी बीच शुरू हो जाएगा। प्रथम तल का निर्माण जल्द पूरा कर इसमें राम दरबार की स्थापना की जाएगी। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।